नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुख करते हैं आज के तमाम बड़े खबरों के ओर। यूपी के जनपद कासगंज में आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार असौरिया के निज आवास पर एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मनोज प्रताप सिंह चौहान निवासी मोहल्ला मोहन सहावर गेट को नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी कासगंज नियुक्त किया गया। वहीं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा देवी जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष पद पर मीना सक्सेना निवासी लवकुश नगर स्टेट बैंक कॉलोनी कासगंज को नियुक्त किया गया और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए ब्रज किशोर निवासी नगला अस्थल सहावर गेट को नगर संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। नगर कार्यकारिणी का विस्तार होने पर एवं महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष मीना सक्सेना को बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। हर्ष व्यक्त करने वालों में जिला मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत, जिला अध्यक्ष संजय सिंह राजपूत, अनुज कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा वाकनेर, गांव प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत, छोटेलाल कनौजिया, प्रमोद कुमार, पंडित जी कमल कुमार गोला, मनोज कुमार शाक्य, सुधाकर यादव, सत्यवीर सिंह, विनीत कुमार, मनोज कुमार आदि ने हर्ष व्यक्त किया और नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार असौलिया, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी कासगंज। आज आपने ये बैठक की है, किस संबंध में बैठक की है? ये हमने सदस्यता ग्रहण कराने के लिए बैठक की है और मनोज प्रताप सिंह चौहान को हमने नगर अध्यक्ष घोषित किया है और मीना सक्सेना को महिला मोर्चा का नगर अध्यक्ष घोषित किया है और ब्रज किशोर जी को हमने संगठन मंत्री का पद दिया है। तो आपने और कोई कार्यक्रम इसमें आपके कितने लोगों ने हिस्सा लिया? कम से कम 20 लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, बाकी लोगों को सदस्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बसारतपुर रोड शाहपुर थाना से पश्चिम 15 मीटर आगे बस गहरा, जहां अंदर काफी पानी है, यहां कर्मचारियों को दिक्कतें होती हैं। कोई भी अंदर जाकर अगर देखे तो वहां 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता। सड़क के आसपास पानी का इतना जमाव व गंदगी रोड पर बनाने वाले वो अंदर गहरा जो कि 10 एकड़ में अंदर फैला है, इस बात की पोल खोलती है कि क्या इनके लिए किया गया है। क्या खोमचे वाले हैं, वो अपना सामान नहीं बेच पाते। उनका कहना है कि गंदगी और जल जमाव के कारण ग्राहकों का आना जाना भी कम है, कोई यहाँ खड़ा नहीं होता। कैंट से प्रिया कुमारी की रिपोर्ट। हाँ, आपने कभी बोला नहीं कि सर हम लोग यहाँ बैठते इतनी गंदगी है? मैडम, हम लोग तो जैसे मान लीजिए आप हैं हमारे अधिकारी, तो हमने आपसे कहा जी, आप उस पर अमल ना करें तो हम क्या करें? नहीं, फास्ट न्यूज़ इंडिया आपकी ज़रूर मदद करेगी, आप चिंता ना करें और हम कोशिश करेंगे यहाँ से आपको मतलब कि आपका ये जो रोड है वो सही हो जाए। आपके अंदर का भी है पानी, काफ़ी मुझे तकलीफ है, मैं इधर से जा रही थी तो ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा थैंक यू। बिजली पर मंत्री का या करंट वाला बयान। जी हाँ, बीजेपी पंचायत चुनाव की मंडलीय बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ऊर्जा रमाशंकर पटेल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जनता को 2022 तक 24 घंटे बिजली देना है। केवल पूर्वांचल को निजीकरण का मामला था, अधिकारियों ने कर्मियों को सुधार करने के लिए 3 महीने का समय मांगा। सरकार ने मानवता दिखाते हुए उनकी बात को माना। अगर 3 महीने के अंदर पूर्वांचल विद्युत वितरण को सही दिशा में ले जाएंगे तो निजीकरण करने का कोई बड़ा औचित्य नहीं है। अगर नहीं ले जाएंगे तो 3 महीने बाद सरकार अपने निर्णय पर कायम रहेगी। देखिए बस्ती से इंद्रजीत की पूरी रिपोर्ट। सरकार जनता के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और हमको जनता को 22 तक 24 घंटा बिजली देना है, उसमें सुधार करना और पूर्वांचल की जो स्थिति खराब है, केवल पूर्वांचल को निजीकरण का मामला था जिसमें अधिकारियों ने हड़ताल किया था। अभी चूँकि यह प्रक्रिया चल रही थी और आपस में हुआ, उन्होंने अधिकारियों ने कहा कि 3 महीने का हमको समय दीजिए, हम सुधार करके जो हमारे अंदर कमियां हैं सुधार कर दिखाएंगे। सरकार ने मानवता दिखाते हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मानवता दिखाते हुए उनकी बात को एक बार माना है और 3 महीने का उनको समय दिया। अगर 3 महीने के अंदर वो पूर्वांचल विद्युत व्यवस्था को सही पटरी पर ले जाएंगे
तो निजीकरण करने का कोई बड़ा उचित नहीं। अगर नहीं ले जाएंगे तो 3 महीने के बाद सरकार फिर अपने जो निर्णय लिए उस पर कायम रहेगी, इसमें कोई देर नहीं। चूँकि पूर्ववर्ती सरकारों में लाइट नहीं मिलते थे, लेकिन हमारी सरकार में लाइट मिल रहा है, इसलिए अब जनता बगैर बिजली का नहीं रह पाती। 24 घंटा 36 घंटा के अंदर हमने देखा कि पूरे प्रदेश, मतलब पूरे प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जनता बेहाल हो गई। इसलिए आपस में यस 3 महीने का उनको समय दिया गया, और समय दिया गया उसमें कुछ नहीं, सब वसूली होगी। अब देखिएगा ना, अब तो उनको फ्री कर दिया गया है। 3 महीने के अंदर आप देखिएगा, 3 महीने के अंदर, 3 महीने का जो आपने समय दिया है वो तो निजीकरण और उसको लेकर, नहीं निजीकरण नहीं, सुधार। 3 महीने का समय दिया गया कि वहीं कि घाटे में जो है हम उसको प्रॉफिट में लाएंगे, ये 3 महीने के अंदर पता चलेगा। यूपी के जनपद कासगंज के नगर में आज आम आदमी पार्टी ब्लॉक कार्यकारिणी एवं विधानसभा की कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी माननीय ब्रजेश सक्सेना इलाहाबाद ने की अध्यक्षता कर रहे श्री सिंह ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत किया और अभिनंदन किया, साथ ही पार्टी को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। बैठक में जिला अध्यक्ष संजय राजपूत भी मौजूद रहे। संजय सिंह राजपूत ने अपने विचारों में कहा कि आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की है और अपने आने वाली जो सरकार होगी वह भी आम आदमी की ही होगी। जैसा कि आज तक राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों के हाथों में चल रही हैं, हमारा आम आदमी पार्टी सिर्फ आम आदमी के विश्वास पर चलेगी और कामयाबी होगी। इसी कड़ी में मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत ने अपने विचारों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ब्लॉक की एक विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन पूर्ण कर लिया जाए और हर हफ्ते में एक मीटिंग आहूत की जाए जिससे कि पार्टी को नया आयाम मिल सके। माननीय ब्रजेश सक्सेना जिला प्रभारी के द्वारा नगला सैयद निवासी लटूरी सिंह को संगठन मंत्री ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी में सदस्यता दिलाकर सम्मान टोपी पहनाकर पार्टी से जोड़ा गया और युवा नगर अध्यक्ष के पद पर शिवम श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया। बैठक में मानपाल सिंह मंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार असोलिया, जिला उपाध्यक्ष अनुज कुमार दुबे, बाकनेर प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत, सोनी कश्यप, सौर्य राजपूत, रिंकू राजपूत, राहुल वर्मा, संजय सिंह दिवाकर, छोटे लाल कनौजिया, संजय यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। वो सुविधाएं यहाँ भी मिल सकती है अगर हमारी सरकार आएगी। वो हमारा मॉडल है, वहाँ से और वहाँ से सारी ये स्थिति हर प्रदेश में पहुँचाई जाएगी। उसी मॉडल पे पार्टी चुनाव लड़ेगी हर प्रदेश में, उन्हीं वादों पे चुनाव लड़ेगी जो दिल्ली में उन्होंने कर दिखाया। इतना शायद मैं समझता हूँ ये पार्टी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के बहरिया थाना अंतर्गत ग्राम नवादा के ग्राम प्रधान मोहम्मद इस्माइल को पिछले 15 वर्षों से ग्राम प्रधान ने अपने पूरे गांव को पिछले 15 वर्षों से बेवकूफ बनाकर उनको धोखे में रख कर वोटों की हेराफेरी करते हैं। ग्राम प्रधान अपनी दबंगई से पूरे गांव को शौचालय और कॉलोनियों से वंचित कर दिए हैं। पूरा ग्राम सभा के औरतें, बच्चे, लड़कियां खुले में शौच करती हैं और जब ग्राम प्रधान से शिकायत करते हैं तो ग्राम प्रधान वोटों की धमकी देता है। ग्राम प्रधान अपने दबंगई से पूरे गांव को अपना शिकार बना रखा है और मजदूरों को परेशान करता रहता है। बेचारे मजदूर छप्पर डालकर पन्नी की कुटिया बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए रामगढ़ कोठारी से अजीत कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। कमला, आपके पति राम बरन हरिजन चौहान, ये घर आपका है? हाँ, इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ, कितने साल से हैं यहाँ पर? 50 साल है। 50 साल होएगा। हाँ। ये घर की हालत मतलब कि गिर रहा है। हाँ, इसको आप लोग बनवा नहीं रहे हैं। हाँ। ये शौचालय आपका है? हाँ। प्रधान द्वारा मिला था? नहीं, हमको नहीं है, भाई का है। अच्छा, इनके भाई का है। आपको शौचालय नहीं मिला है? ये जो ये घर है गिर रहा है, इसको आप लोग बनवा क्यों नहीं रहे हैं? पैसे नहीं। तो आपने प्रधान से क्यों नहीं बात किया कि प्रधान जी हमारा घर गिर रहा है, हमें कॉलोनी चाहिए? प्रधान सुनबे नहीं करते, प्रधान कुछ देबे नहीं करते। तो प्रधान काहे लिए बनावा गवागा? इनसे बात तो करना चाहिए था ना आपको। चलिए कोई नहीं, आप लोग के पास अगर अधिकारी आते हैं तो आप लोग अपनी हालत तो दिखाएंगे ना? आप लोग अपने हालत को, अपने दुख को फिर अधिकारियों के सामने शेयर कीजिए। और हाँ, पैसे जो ये ग्राम प्रधान BDC जो आते हैं, आपके यहाँ के ये BDC हैं, भैया हैं, है ना? आप इनको पहचानते हैं? आप लोग BDC के पहचाने? तो आपके यहाँ के BDC हैं?
है ना, बोले ये बताइए बीडी से आपका सर नाम? हमारा नाम विनोद कुमार सरोज। विनोद कुमार सरोज जी, आप नवादा के रहने वाले हैं क्या? आपके जो गांव में ये हालत हो रही है, हमने एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार हमने जो है सेटिंग करवाते हैं, ग्राम प्रधान कटवा देते हैं, ये अपात्र हैं, इनके पास रहने की व्यवस्था क्या? इन लोगों के पास आप बताइए, क्या इन लोगों के पास हवेली है? कुछ नहीं है इनके पास, देख रहे हैं आपके सामने जो है छप्पर पड़ा हुआ है, जर्जर मकान गिर रहा है। इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? इन लोगों के बारे में हम चाहते हैं कि इनको जो है आवास मिले, इनको लाइटिंग का व्यवस्था मिल जाए, जल निगम मिल जाए, इनको रहने की सुविधाएं हो जाए। बाहर जो है शौच के लिए जाते हैं बहन बेटी, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। वही ना, कोई थोड़ी चाहता है कि जो है कि हम बाहर जाएं अपने बहन बेटी को लेके। बिल्कुल, ये लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हो रहा है ये गलत नहीं हो रहा है? गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। आपने इसकी शिकायत की थी ना? बहुत बार शिकायतें की हमने, कोई सुनने वाला, लाट में कोई सुनने वाला नहीं, दरखास्त अप्लीकेशन हमने बहुत बार दे चुके हैं। ये हैं नवादा के बीडीसी, ये बेचारे अपनी तरफ से इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने ग्राम सभा के लिए, फिर भी इनकी कोई सुन नहीं रहा है। कोई नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अब ये पब्लिक बताएगी। नाम? राम दुलार। राम दुलार, पूरा नाम बताइए। राम दुलार सेजल। सेजल बिंद। बिंद, हाँ। ये बताइए ये घर आपका है? हाँ हमारा घर है। आपका ही है ना? हाँ हमारा ही है। आप इसमें रहते हैं? हाँ रहे थे ही, मैं और कहाँ रह गए। इस घर की हालत देखकर नहीं लग रहा है कि आप लोग इस घर में ज़्यादा दिन रह सकते हैं? आपका चूल्हा भी यही है? वो किचन है। आप लोग इनकी हालत देख सकते हैं, इनकी हालत जो है ये देखिए इनका घर है, ये ग्राम प्रधान बोलते हैं कि ये कॉलोनी के लायक नहीं है। ये देखिए इनका लिंटर उंटर गिर चुका है, ये हवेली का लिंटर जो है ढह रहा है, और ग्राम प्रधान इनको बोलते हैं ये अपात्र हैं, इनको कॉलोनी नहीं चाहिए, क्या करें कॉलोनी लेकर। ये देखिए इनके घर का पीछे का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, ये इनकी ये हालत है। तब चाचा जी बताइए, आपने इसके लिए प्रधान शिकायत किया था? अरे शिकायत किया था कि इसका देखा कोई मार घर गई है, कुछ इसके होना चाहिए, कुछ पता नहीं लग रहा है, कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आया। चलिए ठीक है, अब ये पब्लिक देखकर खुद ही फैसला करेगी आप लोगों के बारे में। जो चीज़ कोई नहीं करता वो पब्लिक करती है। आप लोगों ने ही अपने पब्लिक, आप पब्लिक ही हैं, आपने ही वोट दे करके उनको प्रधान बनाया, और आप लोग चाहते हैं तो अभी प्रधानी में 2 महीना है, प्रधान की बैंड बज जाएगी। जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, आपका पूरा पूरा मोहल्ला जो है कॉलोनी से वंचित है। शौचालय आपको मिले हैं? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये दोनों गलत आपके साथ हुआ है। नाम पे शौचालय आई नहीं। चाचा धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, हम आपके घर की हालत को देख रहे हैं। ये देखिए अंदर फिन के घर में पतरा भी पड़ा हुआ है, ये भी आपका ही है? हाँ, पूरा गिर रहा है, सब गिर रहा है। चलिए ठीक है, अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।